गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे चैनल पर अब रेगुलर वीडियोस आना स्टार्ट हो गई होंगी। जैसा कि आपको पता है, हमने जो वर्ग तीन के लिए हमारी जो सीरीज स्टार्ट की है उसमें आज हमारा सेकेंड डे है। अब हमने उठाया है इंग्लिश का टॉपिक। देखो बेटा, हमने इंग्लिश को कैटेगराइज किया था किस तरीके से, हमने इंग्लिश को ग्रामर और प्लस पैडागोजी में हमने उसको कैटेगराइज किया था। जैसा कि आपको पता हो, 15 मार्क्स की आपकी पैडागोजी आएगी और 15 मार्क्स की आपकी इंग्लिश की ग्रामर आएगी। अब इंग्लिश की पैडागोजी और इंग्लिश की ग्रामर, अब आपके अंदर ये क्वेश्चन होगा, मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं कि इंग्लिश की जो ग्रामर होती है ये आपको सारे यूट्यूब चैनल पर लोग पढ़ा देते हैं, लेकिन क्या वो जो वह पढ़ाते हैं क्या वह हमारे एग्जाम में आती है? क्या उसका लेवल हमारे एग्जाम से मिलता है? नहीं। या फिर ऐसा है कि जो आप पैडागोजी पढ़ेंगे कहीं पर भी इंग्लिश की, तो क्या उसमें से सारे के सारे आपकी जो पैडागोजी के क्वेश्चन है वो आपके लिए आ जाएंगे क्या? नहीं। क्यों सर? क्योंकि वो कंप्लीट नहीं पढ़ाते। वो क्या नहीं कराते? कंप्लीट नहीं कराते। अब अगर आपको कंप्लीट पढ़ना है तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। ये हमारा वादा है आपसे कि हम आप लोगों को सारा का सारा कंटेंट जितना भी अवेलेबल है वो सब प्रोवाइड कराएंगे। साथ में अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना हो फॉर पीडीएफ्स, अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल की जो लिंक होगी वो मैं आपको नीचे यूट्यूब पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अदरवाइज आप सर्च कर सकते हैं परीक्षा प्रेप टेलीग्राम पर डालकर, तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अब अगर आपको YouTube चैनल पर हमारा जो चैनल है वो अगर आप सर्च करें और आपको ना मिले परीक्षा प्रेप के नाम से, वहां पर आपके लिए बहुत सारे वीडियोस खुल जाएं लेकिन आपके लिए हमारा चैनल ना मिले, तो आप क्या कर सकते हैं, परीक्षा प्रेप कर पीछे, इसके पीछे या तो आप चेतन लिख लीजिएगा या फिर रुद्र सर लिख लीजिएगा, तो आपको तुरंत लिंक मिल जाएगी। अदरवाइज अगर आपको इतना सब कुछ नहीं करना तो सीधा सर्च कर लेना रुद्र राजपूत सर, तो आपको सारी वीडियो ओपन हो जाएंगी, मेरी वीडियो आ जाएंगी, साथ में आपको वहां पर यूट्यूब चैनल भी आ जाएगा। तो क्लियर है बेटा, इतनी सारी चीजें अगर आपको पता है, ये था मेरी तरफ से इंफॉर्मेशन देना जो कि मैंने आपको दे दी है। अब आइए, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे ग्रामर, इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे पैडागोजी। मैं कुछ इस तरीके से सिक्वेंस बनाने की सोच रहा हूं आपके लिए। मेरा सिक्वेंस ऐसा रहेगा कि एक दो टॉपिक मैं आपको ग्रामर के पढ़ाऊं, फिर मैं एक दो टॉपिक पैडागोजी के पढ़ाऊं, तो साथ साथ पढ़ाई होती रहे, आपकी पैडागोजी भी होती रहे और साथ में आपकी इंग्लिश भी होती रहे, यही मेरी इच्छा है। तो जो कि अब यहां देखें, आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा नाउन से। नाउन मतलब क्या बेटा? संज्ञा। हमें आज पढ़ना है संज्ञा। संज्ञा क्या कहलाती है? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। यही हमने स्कूल में पढ़ा था। हमने स्कूल में क्या पढ़ा था? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो यहां पर आ जाए तो हम क्या कहें, जैसे अगर हमें नाउन बोलना है तो नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, यही होता है ना बेटा। अगर हम देखें तो नाउन क्या होता है? नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। लेकिन यहां पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, यह बताना यह जो डांस है यह नेम ऑफ पर्सन है, प्लेस है या थिंग है? क्या है यह? किसी व्यक्ति का नाम है, किसी स्थान का नाम है या फिर किसी वस्तु का नाम है? तो आप बताइए क्या है यह डांस? तो आपका आंसर होगा सर, ना तो ये व्यक्ति है, ना ये स्थान है, ना ये वस्तु है, तो फिर ये है क्या? तो बेटा ऐसे वर्ड भी क्या हो जाते हैं हमारे लिए, ये भी क्या है हमारे लिए? नाउन है। तो अब इनके लिए हम अलग से पढ़े क्या, अलग से डेफिनेशन बनाए क्या? नहीं, हम इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हम नाउन को सीधा सीधा लिख देते हैं, नाउन इज अ नेम। नाउन क्या है बेटा? नेमिंग वर्ड है। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है। नाउन हमारे लिए क्या हो गए? नेम वर्ड हो गए। ऐसे वर्ड जिनका नाम है, ऐसे वर्ड नाउन हमारे लिए क्या हो गए बेटा? ऐसे शब्द जिनका क्या है? नाम है। तो यहां पर हम देखें, दुनिया में हर एक चीज का नेम है, दुनिया में हर एक चीज का नेम है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो वास्तविक दुनिया में हो या फिर काल्पनिक दुनिया में हो। काल्पनिक दुनिया में भी आप उन चीजों के नाम रखते हैं। तो क्लियर है बेटा, यहां से हमने जाना कि नाउन क्या होता है हमारे लिए? नेमिंग वर्ड या फिर मतलब नाम वाले वर्ड।
जिस भी चीज का नेम है वो क्या है हमारे लिए, नाउन। क्लियर? जैसे यहां पर आपने देखा डांस, नाउन, पर्सन, प्लेस, थिंग, इनमें इन तीनों कैटेगरीज में से नहीं था, तो अब हमने नाउन की नई डेफिनेशन जानी जो कि क्या होती है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड होते हैं, चाहे वो किसी भी चीज का नेम हो, चाहे वह किसी भी चीज का नेम हो। आ जाइए, तो अब हम नाउन को उसके प्रकार के अकॉर्डिंग उनको बांट लेते हैं। यहां पर आ जाइए, तो यहां पर हम देखें तो नाउन हमारे लिए पांच प्रकार के होते हैं। तो यहां पर देखें, सबसे पहले हमारे लिए जो नाउन होगा वो हमारा होता है प्रॉपर नाउन, या आप जिसको कह सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कह सकते हैं आप इसको? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा से मतलब क्या कि वह किसी एक पर्टिकुलर या विशेष व्यक्ति के नाम के बारे में, किसी एक विशेष व्यक्ति के नाम के बारे में। जैसे यहां पर आ जाए, मैं अगर यहां पर लिख दूं राम, लिख दूं रुद्र, दिल्ली, रामायण, गंगा, मिर्जापुर, मैंने क्या लिखा बेटा? यहां पर मैंने नेम लिखे राम, रुद्र, दिल्ली, रामायण, गंगा और मिर्जापुर। क्या लिखा मैंने? मिर्जापुर। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि राम किसी एक व्यक्ति विशेष का नेम है, रुद्र एक किसी व्यक्ति विशेष का नेम है, दिल्ली एक पर्टिकुलर सिटी का नेम है। आप इस सिटी को जानते हैं जो हमारे इंडिया की कैपिटल है, रामायण है जिसमें राम वर्सेस रावणा की स्टोरी है, रामायण वो जिसमें राम और रावण की स्टोरी है, गंगा हमारे लिए वो रिवर हो गई जो हमारी ओरिजिनेट होती है कहां से? उत्तराखंड से। यहां पर आ जाइए, मिर्जापुर आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो यह क्या आप मान ले सिटी है, यूपी की एक सिटी है, अदरवाइज यह एक वेब सीरीज आई थी अमेजन प्राइम पर, क्योंकि आपको ध्यान होगा गुड्डू भैया वाली, ठीक है, कालीन भैया भी रहते हैं इसमें। तो ये हो गई आपके लिए क्या एक विशेष वेब सीरीज का नेम। आजकल वेब सीरीज का जमाना है, सबको पता है वेब सीरीज क्या होती है, ठीक है। तो मिर्जापुर हो गई आपके लिए एक विशेष वेब सीरीज का नाम। क्लियर है बेटा? बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़े। यहां पर देखिए हम कॉमन नाउन, कॉमन, ओ सॉरी ये मैंने जाति शायद गलत लिख दिया, इसको सही कर लेता हूं। सर सॉरी, रीजन ये है कि कुछ गलतियां हो जाती हैं, छोटी छोटी स्पेलिंग मिस्टेक मेरी हिंदी में। तो यहां पर देखें हम कॉमन नाउन की बात करें, तो कॉमन नाउन जो हमारे लिए होगी वो होगी हमारे लिए जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से मतलब क्या, आप जाति से क्या बताना चाह रहे हैं, या आप यहां पर जाति लिख दीजिए या फिर आप यहां पर लिख दीजिए वर्ग। वर्ग लिखना ज्यादा सही होगा। जैसे यहां पर हम देखें राम किस जाति से बिलोंग करता है, तो आप बोल देंगे हिंदू या ब्राह्मण। नहीं बेटा, यहां पर हिंदू, ब्राह्मण, सॉरी यहां पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये सारी जातियों की बात नहीं हो रही, यहां पर जाति की बात हो रही है क्लास की। अब क्लास पढ़ाई वाली क्लास नहीं बेटा, क्लास का मतलब उसका वर्ग। वर्ग यहां पर वो स्क्वायर वाला वर्ग नहीं है, वर्ग का मतलब उसकी कैटेगरी। यहां पर आप देख लीजिए वो किस कैटेगरी से आता है, ठीक है। तो अब कैटेगरी से मतलब क्या, जैसे राम, राम एक बॉय है, राम क्या हो गया आपका? बॉय हो गया। रुद्र आपके लिए क्या हो गया? अगेन बॉय हो गया। दिल्ली आपके लिए क्या हो गई बेटा? सिटी हो गई। दिल्ली क्या हो गई आपके लिए? सिटी हो गई। रामायण आपके लिए क्या हो गई बेटा? बुक हो गई। गंगा आपके लिए क्या हो गई? रिवर हो गई। और मिर्जापुर आपके लिए वेब सीरीज हो गई। इज दैट क्लियर? यहां पर आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि जो हमारी कॉमन नाउन होती है वो क्या होती है हमारे लिए, वो हमारे लिए जातिवाचक होती है। जो कॉमन नाउन होगी वो हमारे लिए क्या होगी बेटा? जातिवाचक होगी। जातिवाचक से मतलब क्या, वह हमारे लिए उस व्यक्ति के, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की पूरी जात या क्लास को कैटेगराइज करेगा। जैसे बॉय हो गया, ठीक है, सिटी हो गया, दिल्ली। जैसे हम बात करें तो दिल्ली एक सिटी है लेकिन बहुत सारी सिटियां हैं, वो किस कैटेगरी में आती? सिटी की कैटेगरी में आती। अब ऐसा तो नहीं है कि अकेली दिल्ली सिटी हो, नहीं, सिटी तो बहुत सारी है। आपकी आगरा हो गई, सागर हो गई, मुंबई हो गई, जबलपुर हो गई, और भी ऐसी बहुत सारी जो हमारी सिटीज हो गई, ये हमारे लिए क्या हो गई? सिटी
सिटीज हो गई, ये प्रॉपर नाउन है, ये क्या है प्रॉपर नाउन, आगरा एक प्रॉपर सिटी है, सागर एक प्रॉपर सिटी है, मुंबई जबलपुर एक प्रॉपर सिटी है, क्लियर। यहां आ जाओ आगे देखें हम, तो अब आता है हमारे पास कलेक्टिव नाउन। अब हमारे पास क्या आता है, कलेक्टिव नाउन आता है। अब यहां पर हम देखें जो हमारे पास कलेक्टिव नाउन है, चलिए आइए हम पढ़ते हैं समूहवाचक संज्ञा। अब हमारा है क्या समूहवाचक संज्ञा, यहां पर अब हम बात करें समूह की, बेटा किसकी बात करें हम, जैसे समूह की बात करें तो समूह जैसे हम बात कर लें, सबसे पहले समूह में क्या, टीम, पुलिस, ये कुछ एग्जांपल हो गए। मैं यहां पर कुछ एग्जांपल लिख देता हूं आपके लिए, जैसे मैं यहां पर लिख दूं टीम, पुलिस, जूरी, क्लास, फ्लीट और बेबी। तो यहां पर आप लोगों को जैसे इनमें से कुछ पता होगा, जैसे टीम हो गई, टीम प्लेयर्स की होती है, पुलिस सोल्जर से मिलके बनती है, जूरी जजेस की होती है, क्लास स्टूडेंट्स की होती है, फ्लीट शिप्स की होती है, बेबी ग्रुप ऑफ गर्ल्स, बेबी क्या होता है ग्रुप ऑफ गर्ल्स, फ्लीट जो होता है वो जहाजों का एक झुंड होता है। जैसे अगर मैं यहां पर लिख दूं आर्माडा, क्या लिख दूं मैं आर्माडा, इसका जो ये जो ग्रुप होता है वो ग्रुप होता है वारशिप्स का, वारशिप्स का मतलब जंगी जहाजों का जो बेड़ा होता है उसको हम आर्माडा कहते हैं, क्लियर है बेटा। तो यहां पर हमने जाना कि ये हो गई हमारे लिए क्लास, लेकिन क्लास कैसे बनी, ये जो आपका कलेक्टिव नाउन है यह कैसे आया, या आप कह सकते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो यह है ना जो बेटा, ये होता है कलेक्शन किन का, कॉमन नाउन का, किन का होगा कॉमन नाउन का। यहां पर आप ये भी लिख लीजिए वंश, वंश जो होता है वो आपका की का होता है, चाबियों का होता है, साथ में अंगूर का गुच्छा भी होता है। तो यहां पर देखिए, जैसे मैं बोलूं एक डॉक्टर, एक टीचर, एक ड्राइवर, एक वॉचमैन, एक स्टूडेंट और एक लॉयर, एक आपका हो गया पुलिसमैन, तो इनका हमने बना दिया, इनको हमने कर दिया इकट्ठा, तो क्या यह कलेक्टिव नाउन बनाएंगे। देखो ग्रुप तो ये भी है, अगर हम इसको ग्रुप बना दें तो, अगर आप जैसे कलेक्टिव नाउन की बात करें या समूहवाचक संज्ञा की बात करें तो आप ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो समूह तो एक ये भी बन गया, लेकिन क्या यह कलेक्टिव नाउन है, नहीं बेटा, यह डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस वाले जो एक साथ समूह बना लेते हैं वह समूह नहीं होता है। समूहवाचक संज्ञा एक ही प्रकार के व्यक्तियों का जो समूह हो, एक ही प्रकार के व्यक्ति, एक ही प्रकार की वस्तुओं का जो समूह होता है उनको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, क्लियर है। तो जो हमारा कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन से मतलब क्या है हमारे लिए, ग्रुप्स ऑफ, लिख लीजिए यहां पर ग्रुप्स ऑफ सेम क्लास, सेम क्लास में क्या है बेटा, सेम क्लास के पर्सन हो और सेम क्लास की थिंग हो। तो जैसे यहां पर देखें हम, तो सेम क्लास के पर्सन के लिए जैसे हमने बनाया क्लास, टीम, और थिंग्स के लिए जैसे हमने बना लिया फ्लीट, वंच और बहुत सारे एग्जाम्पल। तो जो ग्रुप होंगे वो क्या होंगे, दो तरीके के होंगे, पर्सन के ग्रुप या पर्सन के ग्रुप, या फिर आपके होंगे थिंग्स के ग्रुप, क्लियर है बेटा। तो जो हम कलेक्टिव नाउन यूज करते हैं वो दो दो तरीके से कैटेगराइज होगी, एक हमारे लिए पर्सन के लिए और एक हमारे लिए थिंग के लिए, क्लियर है। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो हमने जान लिया कलेक्टिव नाउन क्या होती है, कॉमन नाउन से ही हम क्या बनाते हैं, कलेक्टिव नाउन बनाते हैं। कॉमन नाउन जो होता है उन्हीं कॉमन नाउन्स का अगर हम समूह बना दें तो वो हमारे लिए क्या हो जाती है, कलेक्टिव नाउन, क्लियर है बेटा। आगे आ जाओ, अब हम देखें हमारा क्या, पढ़े हम अपना मटेरियल नाउन, ठीक है। सॉरी मुझे जो बेटा कहने की आदत है आप उसको बुरा नहीं मानिएगा, क्या है कि जैसे मैं ऑफलाइन में भी पढ़ाता था तब भी मैं इसी वर्ड का यूज करता था, ठीक है। बाकी क्या है कि सर बोल सकता हूं मैं आपसे, ठीक है, ठीक है सर। तो आगे देखें हम हमारा क्या मटेरियल नाउन, तो आइए मेरे भाइयों हम देखें क्या मटेरियल नाउन। अब हम मटेरियल नाउन के बारे में जानें तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, पदार्थ। अब जैसे आपको पदार्थ की बात
आई है, तो अब हम जानने की पदार्थ होता क्या है। पदार्थ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनमें आकार होता है, जिनमें वजन होता है, जिनमें शेप होता है, जिनकी साइज होती है, जिनको आप देख सकते हैं, जिनको आप टच कर सकते हैं, और इनकी तीन अलग अलग स्टेज होती हैं। हालांकि अभी अभी चौथी स्टेज भी होती है, चार स्टेज होती हैं। चार स्टेज से मतलब क्या बेटा? सॉलिड, ठोस, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये तीन कैटेगरीज में है आपका, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो और साथ में एक और आ गया प्लाज्मा वाली जो है। तो ये हमारी ये चार स्टेजेस में होता है। सबसे पहले आ जाए हम यहां पर देखें, जैसे सॉलिड स्टेट में बात करें तो आपका गोल्ड, सिल्वर, आयरन, वॉटर, लिक्विड हो गया बेटा पानी, इंक, वॉटर, इंक, मिल्क, आ जाओ प्लाज्मा स्टेट में लिखे जेम, जेली, जेम हो गया, ठीक है, जो हमारा जेम होता है जो हम खाते हैं पिघल लेकर, जेम हो गया। ठीक है, अब हम देख रहे हैं हमारा गैस स्टेट में, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं एयर, ऑक्सीजन, CO3 और ETC। तो इसी तरीके के जो हमारे नेम होंगे, पदार्थों के जो नाम होंगे, वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे? मटेरियल नाम। हमने कैटेगराइज कर दिया, ऐसे नाम जो हमारे किसी मटेरियल के हों, वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे? मटेरियल नाम हो जाएंगे। अब हम बात करें लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। वो क्या कर पाते हैं? वो एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारी ये क्लास है। तो यहां पर देखें, हम सबसे पहले देखें हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या बेटा? भाववाचक संज्ञा। तो इसके लिए आप याद रख लो FAQS। कुछ टर्म याद कर लीजिए आप, क्या याद कर लीजिए? ये इस टाइप का निमोनिक है, FAQS। एफ जैसे आपकी होगी फीलिंग्स, ये हो गई एबिलिटी हो गई बेटा, ये क्या हो गई? एबिलिटी हो गई। क्यू हो गई आपकी क्वालिटी, और एस हो गई आपकी स्टेट। तो यह सारी जो चीजें बताएं, फीलिंग भावना, एबिलिटी क्षमता, क्वालिटी आपकी कोई गुणवत्ता, स्टेट आपकी अवस्था। तो यहां पर हम देखें, तो जैसे फीलिंग की बात करें, तो सोरोनेस, दुख। सोरोनेस का मतलब क्या होता है बेटा? दुख, जॉय, खुशी। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे लिए? सोरोनेस, जॉय। और अगर हम बात करें एबिलिटी की, तो जैसे देख लो मैनेजमेंट, मैनेज करने की ये क्या है? क्षमता है। अब हम बात करें क्वालिटी की, हम बात क्या करें क्वालिटी की, तो जैसे हम देखें ब्रेवरी, ऑनेस्टी। ब्रेवरी से मतलब क्या बेटा? बहादुरी। ऑनेस्टी से मतलब क्या? ईमानदारी। अब हम स्टेट की बात करें, तो जैसे हमारे लिए क्या हो गया? चाइल्डहुड। क्या हो गया हमारे लिए? चाइल्डहुड, बचपन। या फिर हम फाइनेंशियल स्टेट की बात करें, तो हमारे लिए हो गई पॉवर्टी। पॉवर्टी से मतलब क्या बेटा? गरीबी। तो यहां पर हमने देखा जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है उसमें क्या होगा हमारे लिए? भाव होते हैं फीलिंग के, एबिलिटी के, क्वालिटी के और स्टेट के। अब बहुत बेसिक बात जो हमें इन दोनों में, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में डिफरेंशिएट करा देगी, सारी चीजें जो हमारे लिए अलग अलग करा देगी, वो क्या होगी कि इनको आप देख सकते हैं, इनको आप क्या कर पाएंगे? सी कर पाएंगे, टच कर पाएंगे, और ये फिजिकल होंगी। ये कैसी होंगी? आपकी फिजिकल वर्ल्ड में होंगी या रियल वर्ल्ड में होंगी? इनमें शेप होगा, साइज होगा, कलर होगा। दूसरी बात इनमें क्या होगा? कलर होगा। कलर होगा तभी तो आप देख पाएंगे। क्लियर है बेटा? लेकिन यही सारे जो फीचर्स हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में लैक कर रहे होंगे, जो हमारा भाववाचक संज्ञा है उसमें यह सारे फीचर्स नहीं होंगे। तो यहां पर आ जाओ, अब बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे मैं यहां पर बोल दूं एयर, वायु, तो वायु हमारा कौन सा नाउन आएगा बेटा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा या फिर हमारा मटेरियल नाउन में आएगा? तो यहां पर देखो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होगा? जिनको हम देख पाए, जिनको हम टच कर पाए। लेकिन यहाँ वायु को देख पाते नहीं, टच कर पाते
नहीं, तो ये क्या होगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन? नहीं बेटा, यह आपका तब भी मटेरियल नाउन होगा क्योंकि पदार्थ की एक और खासियत होती है, पदार्थ वह कहलाते हैं जिनमें द्रव्यमान हो, जिनका क्या हो, द्रव्यमान हो या फिर जिनका मास हो। तो यहां पर आप देखें तो एयर का मास होता है, एयर में क्या होता है, वजन होता है। वो खाली बैलून वाला, खाली गुब्बारे वाला आपने एग्जाम्पल किया होगा स्कूल में सिक्स या सेवेंथ क्लास में, उसमें आपको पता चला होगा कि एयर में वजन होता है। क्लियर बेटा? तो एयर हमारी मटेरियल नाउन ही रहेगी, एयर हमारी क्या रहेगी, मटेरियल नाउन ही रहेगी। अब यहां पर हम देखें, अब हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं हमारे दो तरीके से, जो हमारे लिए होंगे सिंगुलर, सॉरी, या अभी इसको हम कैटेगराइज कर लें काउंटेबल और नॉन काउंटेबल में, काउंटेबल और अनकाउंटेबल में। तो यहां पर देखिए, हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल में बात करें तो जैसे हम प्रॉपर नाउन की बात करें तो प्रॉपर नाउन को काउंट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि वो तो एक ही है। आप किसी व्यक्ति विशेष के नाम के बारे में बात कर रहे हैं तो वो एक ही होगा, कोई एक व्यक्ति, कोई एक सिटी, कोई एक रामायण, कोई एक बुक है, कोई एक रिवर है, कोई एक वेब सीरीज है। तो यहां पर आप उस पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको गिनना मतलब बेवकूफी। काउंटेबल से मतलब क्या, जिनको आप एक दो तीन ऐसे कर पाए। तो अभी हम अगर इसको देखें तो आप इसको अनकाउंटेबल में डाल दीजिए। प्रॉपर नाउन हमारे लिए क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। अब आ जाइए कॉमन नाउन, इनमें बेटा एस लगाकर देखो सब बन जाते हैं, बॉयज, सिटीज, बुक्स, रिवर्स, वेब सीरीजेस। तो यहां पर हम देखें जैसे हमारे लिए कॉमन नाउन होगी, ये हमारे लिए काउंटेबल होती है। कॉमन नाउन हमेशा काउंटेबल होगी, याद रखना, अगर कोई भी नाउन कॉमन नाउन है तो वो काउंटेबल है। अब हम यहां पर आ जाएं कलेक्टिव नाउन की बात करें। अब अगर कॉमन कॉमन हमारी काउंटेबल है तो कॉमन का ही तो ग्रुप बना है। टीम्स हो सकती हैं, पुलिसेस हो सकती हैं, ज्यूरीज हो सकती हैं, क्लासेस हो सकती हैं, फ्लीट्स हो सकती हैं, बेबीज हो सकती हैं, आर्माडास हो सकते हैं, अंगूरों के गुच्छे हो सकते हैं, तो ये तो पता होगा, क्लासेस हो सकती हैं। तो यहां पर हम देखें तो यह भी हमारे लिए काउंटेबल होगा और यह तो हमारे लिए अनकाउंटेबल होंगे। यह जो हमारे लिए कैसे होंगे, अनकाउंटेबल होंगे। अब अनकाउंटेबल कैसे, आप यहां पर ऐसा तो नहीं कर देंगे एक पानी दो पानी तीन पानी, या फिर एक गोल्ड दो गोल्ड तीन गोल्ड, या फिर आप यहां पर बोलने लगे कि एक किलो दो खोरा दो किलो दो खोरा, इनको आप काउंट नहीं कर पाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं इनको आप गिन नहीं पाते, और जो मटेरियल नाउन होते हैं इनको भी नहीं गिन पाएंगे, और प्रॉपर नाउन को नहीं गिन पाएंगे। तो यहां से जो सी सी वाले हैं हमारे, सी फॉर कॉमन सी फॉर कलेक्टिव, जो हमारे सी वाले हैं उनको हम गिन पाते हैं, वो हमारे लिए काउंटेबल होंगे। अब अगर इनको गिन पाते हैं, यह हमारे काउंटेबल कैटेगरी में हो गए हैं, अगर यह हमारे काउंटेबल कैटेगरी में आ गए हैं, तो बेटा याद रखना जो सिंगुलर और प्लुरल बनेंगे वो हमारे इन्हीं दोनों के बनेंगे। सिंगुलर और जो प्लुरल बनेंगे वो हमारे इन्हीं दोनों के, सिंगुलर और प्लुरल मतलब एक वचन, और जो बहुवचन बनेंगे वो हमारे दोनों के बनेंगे, कॉमन या कलेक्टिव के। क्लियर है बेटा? तो इतनी बात समझ में आ गई हो तो आगे अब हम एग्जाम से रिलेटेड जो और सारी चीजें आती हैं नाउन के ही बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बाय, मिलते हैं कल, हैव अ नाइस डे।